हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाय विद क्राफ्ट्सविला। मैं आपका दोस्त अभिषेक। आज हम बात करने वाले करवा चौथ के ऊपर। हमारे साथ एक खूबसूरत इंसान है, निहारिका। वो फैशन क्यूरेटर रह चुके हैं, स्टाइलिश रह चुके हैं, फिर मर्चेंडाइजर रह चुके हैं, अब एक एंटरप्रेनर है। वेलकम निहारिका टू क्राफ्ट्सविला। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। आपके बारे में कुछ बताइए हमें। I started my career 9 years back in 2011. I have been a fashion merchandiser, curator, buyer for various retail companies, and now I'm a fashion entrepreneur. I have my own label, and I'm working to grow that label now. Wow. हमें बताइए कि करवा चौथ का महत्व हमारे हिंदू रिलीजन में क्या है? करवा चौथ एक्चुअली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, करवा एंड चौथ। करवा मीन्स अर्दन पॉट एंड चौथ मीन्स फोर्थ डे ऑफ द न्यू मून, फुल मून विच इज़ कॉल्ड इन हिंदू स्क्रिप्चर्स। एंड इस ये फास्ट रखा जाता था पहले, जब हमारे हिंदू रिलीजन में जब हस्बैंड्स जाते थे वॉर फ्रंट में लड़ाई करने के लिए, तो घर में वाइफ्स और बच्चे होते थे, उनको छोड़ के वो जाते थे, तो उनकी लंबी उम्र के लिए फास्ट रखा जाता था। आपको क्या लगता है कि अभी के करवा चौथ में और पहले के करवा चौथ में क्या डिफरेंस है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले जैसे कि सिर्फ एक ये रीज़न होता था कि वॉर फ्रंट से हमारे हस्बैंड्स जल्दी वापस आ जाएं, हेल्दी वापस आ जाएं, ताकि वो लोग सब साथ में वापस रह सकें, एक कंसर्न होता था प्यार के साथ साथ। अभी ये मोर ऑफ अ सिंबल है आज की जनरेशन के लिए कि हमें अपना प्यार शोकेस करना है टू द वर्ल्ड एंड टू माय पार्टनर आल्सो। जैसे वेस्टर्न कल्चर में वैलेंटाइंस डे होता है प्यार को दिखाने के लिए, सिंबलाइज उसके लिए है, वैसे ही हिंदू कल्चर में करवा चौथ है। बस इसमें डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पे फास्ट भी होता है, वहाँ पे फास्ट नहीं करते थे, और उसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन है कि फास्ट रखने से भी बॉडी के क्या बॉडी में क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई नो दैट इट हैज़ बीन चेंज, बट अल्टीमेट रीज़न रिमेन्स द सेम विच इज़ लव। ओके, और हमें ये बताइए कि करवा चौथ के लिए कोई स्पेसिफिक कलर है जो वही पहनना चाहिए? पहले जैसे कि होता था सिर्फ लाल रंग पहना जाता था, लाल रंग का भी महत्व बहुत ज़्यादा है, हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन्ड है, प्यार का रंग बोलते हैं उसे। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब लाल के साथ साथ मरून, फूशिया पिंक्स, ऑरेंजेस एंड शेड्स ऑफ रेड्स बेसिकली आर रियली इन एंड पीपल वेयर दैट। ओके, आप हमें करवा चौथ के लिए कुछ स्टाइलिंग टिप्स या फिर ग्रूमिंग टिप्स दे सकते हैं? ज़रूर। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, सब लेडीज़ का अपना अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि करवा चौथ में हम मेहंदी से लेके सारे 16 श्रृंगार कब करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन आई वांट टू लुक लिटिल सिंपल एंड येट ट्रेडिशन। सो दोनों में से आप जो भी ऑप्ट करें, चाहे आप चंकी ज्वेलरी पहने या फिर 16 श्रृंगार करें, बस ये कहना चाहूँगी कि एक दूसरे से क्लैश ना हो चीज़ें, ऐसी चीज़ें पहने जो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, और एक कॉन्फिडेंस और स्माइल के साथ रेडी हों, और यू विल लुक ब्यूटीफुल इन व्हाटएवर अटायर यू वेयर। ये थे निहारिका हमारे साथ में, जिन्होंने हमें करवा चौथ के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो अभी आपको पता ही होगा कि आपको कैसे रेडी होना है इस करवा चौथ को। इसी तरह से हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।